जय हिंद। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैश्विक सूचकांक। ठीक है, तो वैश्विक सूचकांक से हर बार एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी पेपर जो हों, चाहे PCS हो, ARO हो, चाहे पुलिस हो, कोई सा भी हो, सब में सूचकांक से क्वेश्चन आए, IAS तक में सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। देखो, सबसे पहला है कि फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की गई है, तो उसको देखते हैं कि द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की एक जो है लिस्ट जारी की गई है। तो इस सूची का ये सबसे पहली बात तो ये कि 20वां संस्करण है, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। ठीक, जहाँ USA की टेलर स्विफ्ट को सबसे युवा 33 वर्षीय जो है शक्तिशाली महिला बताया गया है, वहीं USA की जूडी फॉकनर सबसे उम्रदराज शक्तिशाली महिला बताई गई हैं, वो 80 वर्ष की हैं। ठीक है, अब इस सूची में टॉप 5 जो महिलाएं हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो टॉप 5 महिलाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। एक का नाम है उर्सुल वान डेर लेयन, नंबर 1 पर जो है वो जर्मनी की हैं, राजनीति के लिए जानी जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं क्रिस्टीन गैलार्डे हैं, ये फ्रांस की हैं। तीसरे नंबर पर कमला हैरिस हैं, USA की आपको पता ही है उपराष्ट्रपति हैं। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की हैं, राजनीतिज्ञ हैं। टेलर स्विफ्ट USA की हैं, मनोरंजन मीडिया से जुड़ी हुई हैं। ये ध्यान रखना कि ये सबसे युवा हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे युवा हैं। और उर्सुला वान डेर लेन जर्मनी की हैं, जो सबसे ज़्यादा क्या हैं, पावरफुल महिला बताई गई हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। भारतीय महिला हर बार कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। तो भारतीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, इस वर्ष की सूची में 32वें स्थान पर रही हैं। ये ध्यान रखना कौन से स्थान पर रही हैं, 32वें स्थान पर रही हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लगातार 5वीं बार इस सूची में जगह बनाई है, और 2022 में वो 36वें स्थान पर थी, और 21 में वो 37वें स्थान पर थी, 20 में 41वें स्थान पर थी, 2019 में 34वें स्थान पर थी। अब की बार उनका सर्वश्रेष्ठ रैंक आया है 32। ठीक, इसके अलावा SCL टेक जो कंपनी है, उसकी जो चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, उनको 60वां स्थान मिला है, और सेल की जो अध्यक्ष हैं शोभा मंडल, उनको 70वां स्थान मिला है। ठीक है, और वायकॉन के संस्थापक जो किरण मजूमदार 100 हैं, उनको 76वां स्थान मिला है। तो कुल मिला के ये 4 महिलाएं हैं भारत की जो इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, किरण मजूमदार 100, शोभा मंडल, इसके अलावा रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये हैं 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में BBC द्वारा जारी की गई हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ जो इंस्पायरिंग एंड द इन्फ्लुएंशियल वुमेन 2023 की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें भी देखना तो इस सूची में इसका ये 11वां संस्करण है। और USA की पूर्व जो महिला है मिशेल ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन, फुटबॉलर एटेना बोनमार्टी, मानवाधिकार अधिवक्ता अमल क्लूनी, अभिनेत्री अमेरिका फेरेरा, दिया मिर्जा और नारीवादी नेता ग्लोरिया एस्टीमेट को शामिल किया गया है, इसी नेम को शामिल किया गया है। इस वर्ष की सूची में 4 महिलाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें दिया मिर्जा है, फोटोग्राफर आरती कुमार राव हैं, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं, और बौद्ध नन जो है जिनका नाम है जेत सुनुमा तेंजिंग पामो, इन 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। किसमें, आपकी प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो BBC के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर है बात। तो ये अलग है आपका जो फोर्ब्स की जो टॉप 100 महिलाएं हैं, उसमें भी भारत की 4 महिलाएं हैं, और जो BBC की जो प्रेरक जो 100 टॉप महिलाएं हैं, उसमें भी भारत की 4 महिलाएं हैं। फोर्ब्स के द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में 100 सबसे अमीर व्यक्ति 2023 की एक लिस्ट जारी की गई है, और इसमें जो 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मुकेश अंबानी हैं, उनकी संपत्ति को 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया। कितने, 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं फिलहाल। भारत की जो सबसे अमीर महिला हैं, उनका नाम सावित्री जिंदल है, और जिंदल परिवार की हैं ये। सावित्री जिंदल परिवार की कुल संपत्ति लगभग 24 बिलियन US डॉलर है। कितनी है, 24 बिलियन US डॉलर है, और इस सूची में वो भारत में 4थे स्थान पर है। जरोधा
कि निखिल कामत सबसे कम उम्र के हैं जो अरबपति हैं, केवल 37 साल के हैं। जो ध्यान रखना, निखिल कामत जो 37 साल के हैं और अरबपति हैं। इसमें भारत की अगर बात करेंगे तो मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं, गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं, और शिव नाडर जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, सावित्री जिंदल जो हैं वो चौथे नंबर पर हैं, और पांचवें नंबर पर राधा किशन दवानी परिवार है जो फैशन और रिटेल के लिए जाना जाता है, वो 5वें नंबर पर है। उनकी संपत्ति जो है 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। देखो पांचवें नंबर और पहले नंबर में कितना बड़ा गैप है। गैप तो ये देखो दूसरे और पहले में कितना बड़ा गैप है, पांचवें में और पहले में कितना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। अगला है 3361 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। इससे भी क्वेश्चन कई बार बने हैं और पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो 361 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 क्या की गई है, जारी की गई है। और हुरुन इंडिया जो रिच लिस्ट जारी की जाती है, इसमें इसको ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो अब इसमें आपको जो देखना है कि इस सूची में 1000 करोड़ की संपत्ति या उससे अधिक संपत्ति वाले 1319 व्यक्तियों को स्थान मिला है भारत में, 1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति के मामले में पहले नंबर पर फिर वही है मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पर आपके गौतम अडानी हैं और उनका परिवार है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे साइरस पूनावाला परिवार हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक। जो इसके अलावा शिव नाडर परिवार है जो HCL कंपनी को चलाता है, गोपीचंद हिंदुजा परिवार है, ये हिंद लंदन में है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 361 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में जो टॉप 5 हैं उसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, शिव नाडर और गोपीचंद हिंदुजा हैं, ठीक है। केदरा कैपिटल के जो मनीष केजरीवाल हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर के रूप में सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, जिनके नेटवर्थ लगभग 3000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। और इसमें सबसे कम उम्र के जो अरबपति बने हैं वो बने हैं कैवल्य बोहरा, जिन्होंने जेप्टो कंपनी की स्थापना की है, ठीक है, जेप्टो कंपनी की चल रही है आजकल ये। बायजू के रविचंद्रन इस सूची से अब की बार बाहर हो गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बायजू की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई है और अब वो डूबने की कगार पर, आने वाले दिनों में ख़त्म ही हो जाएगी। PCS में फॉर्च्यून ग्लोबल सूची 2023 से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि फॉर्च्यून ग्लोबल से कई बार इसमें क्वेश्चन बने हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के हिसाब से वॉलमार्ट जो है लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर है। और इसके अलावा इसमें कुछ 8 भारतीय कंपनियां हैं जिनको यहां पर जो है मिला है स्थान। रिलायंस को मिला है 88वां स्थान, इंडियन ऑयल को मिला है 94, LIC की अगर बात करेंगे तो LIC को यहां पर मिला है 107, ऑयल एंड नेचुरल गैस को मिला है 158, भारत पेट्रोलियम को मिला है 233, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है 235, टाटा मोटर्स को मिला है 337, राजेश एक्सपोर्ट को मिला है 353। तो इसमें इनको ध्यान रखना है, LIC है, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और रिलायंस है। तो इन सारी कंपनियों को ध्यान रखना है कि जो टॉप फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 हैं तो उनमें से 8 जो हैं वो भारतीय कंपनियां हैं। क्लियर है इतना, तो आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर और अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है। इससे भी क्वेश्चन पूरी तरीके से बन सकता है कि वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ये कौन जारी करता है, कौन देश गरीब है, क्या है, वो सारा देखते हैं इसमें। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो 11 जुलाई को UNDP और जो होता है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास की जो पहल है उसके द्वारा जो है एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस वर्ष की अगर रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसका जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय विषय क्या है तो आप कह सकते हैं कि अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन है।
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले लगभग 6.1 बिलियन लोगों से ये संबंधित है और इनके आंकड़ों को क्या किया गया, संकलित किया गया है। 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों की लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ रहे हैं आप विकासशील देशों की कंडीशन क्या है? कि विकासशील देशों की कंडीशन ये है कि यहाँ पर 92% जनसंख्या का जो है वो क्या है, मिडिल क्लास के आसपास बन रहा है, गरीबी के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें से जो लगभग 18% लोग हैं ये तो बहुआयामी गरीब की स्थिति में बने हुए हैं। 18% लोग, 18 वर्ष से कमाई के लगभग 566 बिलियन बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं और बहुआयामी गरीबों की संख्या 1.1 बिलियन के लगभग आधी है। और इस रिपोर्ट में 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों में अपने वैश्विक जो गरीबी मूल्य को आधा करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिसमें भारत भी है, कंबोडिया भी है, कांगो है, चीन है, होंडुरास है, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम है। इन्होंने अपनी गरीबी पर काफ़ी काम भी किया है। भारत ने 15 सालों के अंतर्गत 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। और अगर अब देखा जाए तो भारत 2005-2006 में गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.7 मिलियन थी और अब जो है ये 230.7 मिलियन बची है, जो लगभग 16.4% हो गई है। तो इस पर काफ़ी काम किया भी है इसमें भारत ने, तो ये अच्छा एक रिकॉर्ड है। तो ये ध्यान रखना कि अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्लोबल 200 सूची 2023 जारी की गई है। इसको द ग्लोबल सूची का जो 20वां संस्करण है, JP Morgan Chase Bank इसके द्वारा जो है, JP Morgan Chase Bank जो है वो शीर्ष स्थान पर है। सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी जो सऊदी अमारको है वो दूसरे स्थान पर बनी हुई है और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री इस बार 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय कंपनी की तुलना की अगर बात करें तो सबसे अच्छी जो कंपनी बताई गई है वो रिलायंस बताई गई है और 611 कंपनियों के साथ US इसमें शीर्ष पर है और चीन इसमें दूसरे स्थान पर है। भारत में 2000 टॉप कंपनियों में केवल भारत की 55 कंपनियां हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, द ग्लोबल 2000 सूची फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की गई है उसमें भारत की केवल 55 कंपनियां हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं लगभग 611 कंपनियां US की हैं और 346 कंपनियां चीन की हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है इससे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की अगर बात करेंगे तो ये जो है इसका 7वां संस्करण है और कोविड महामारी के कारण जो है इसके 3 संस्करण प्रकाशित नहीं हुए थे, 3 साल बाद अब जो है ये प्रकाशित हुआ है। अब इसकी थीम की अगर बात करेंगे तो कनेक्टिंग टू द कम्पीट है इसकी थीम का नाम, कनेक्टिंग टू द कम्पीट इसकी थीम का नाम क्या है, कनेक्टिंग टू द कम्पीट। और इसमें ये ध्यान रखना कि इंडेक्स 2023 में कुल 139 देशों में शामिल किया गया है। ये कितने देशों में, 139 देशों में शामिल किया गया है। विश्व बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है LPI है वो 6 देशों के माध्यम से विश्लेषण करता है, ठीक 6 कंपोनेंट्स के माध्यम से क्या करता है, विश्लेषण करता है। इसमें 139 देशों की सूची जो है जारी की गई है और जिसमें 4.3 स्कोर के साथ सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है। इसके बाद फिनलैंड का स्थान आता है जिस जो 4.2 है और इस सूचकांक में जहां लीबिया अफगानिस्तान को 1.9 के संयुक्त रूप से 138वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सोमालिया का इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब है, सबसे लास्ट में सोमालिया है। तो इस बात को आप ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो सबसे लास्ट रैंकर है वो आपका सोमालिया बना हुआ है। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत जो है इसमें 38वें स्थान पर है, भारत की 38वीं स्थान है। इसके अलावा लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, तुर्की भी इसी नंबर पर हैं। भारत की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, पहले 44वीं स्थान पर था, 38वीं स्थान पर हो गया है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक आया है 2023 का, तो 2023 का जो वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक है 18 अप्रैल 2023 को जो हुरुन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो है
ये जारी किया गया है। इस सूचकांक के माध्यम से 2000 के दशक में स्थापित उन कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई है जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन है। मूल्य कितना है? कम से कम $1 बिलियन है। अभी वे किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। तो सूचकांक में 48 देशों में से 271 शहरों के 1361 यूनिकॉर्न को इसमें शामिल किया गया है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। और सूचकांक में यूएसए के सर्वाधिक 666 यूनिकॉर्न शामिल हैं, ठीक है। और पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो ये 179 अधिक हैं। यूएसए में कुल 49% यूनिकॉर्न है। कितनी बड़ी बात है, भारत में यूनिकॉर्न इतने ज़्यादा कहाँ हैं। और टिकटॉक के स्वामित्व वाला जो बाइट डांस चीन का सर्वाधिक मूल्य का यूनिकॉर्न बन चुका है। भारत में तो ये बैन है पर जो बाइट डांस एक ऐप है ये क्या बन चुका है, ये आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो है मूल्यवान यूनिकॉर्न है चीन का। रॉकेट और उपग्रह निर्माता कंपनी स्पेस एक्स इस मामले में दूसरे स्थान पर है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और दुबई की जो मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम जो सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न की सूची में 8वें स्थान पर है। दुबई में जो मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम है, ये वाली टेलीग्राम जो है ये दुबई की सेवा है जो भारत में भी अच्छी खासी मात्रा में लोग यूज़ करते हैं, तो ये 8वें स्थान पर है। शहरों की दृष्टि से देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, 181 यूनिकॉर्न केवल सैन फ्रांसिस्को में ही है। इसके बाद यूएसए और बीजिंग का स्थान आता है, न्यूयॉर्क का और बीजिंग का स्थान आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। सूचकांक के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आता है। भारत में 68 यूनिकॉर्न है अभी तक केवल, ठीक है। मतलब अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अगर आपसे देखा जाए तो कहाँ पर हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो आगे आते हैं कि विश्व के अरबपतियों की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। तो अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई है। इसकी 37वीं रैंकिंग में 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है और 2022 में तो 2668 को शामिल किया गया था। 2023 की अगर बात करें तो इसमें अरबपतियों की कुल शुद्ध जो संपत्ति है वो कितनी है, 12.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, जो पिछली बार की तुलना में $500 बिलियन जो है क्या आकी गई है, कम। फोर्ब्स ने अरबपतियों की सूची में जो है 3 अरबपति हैं जो बने हैं, जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट और एलन मस्क और जेफ बेजोस, ये सबसे बड़े जो हैं इन्होंने टॉप 3 जो है अरबपति बताए हैं। फोर्ब्स के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची में भारत के 3 अरबपति हैं, मुकेश अम्बानी, गौतम अडानी और शिव नाडर। मुकेश अम्बानी की रैंक जो है वो विश्व में 9वें नंबर पर है, गौतम अडानी की जो है विश्व जो है 24वें नंबर पर है और शिव नाडर की जो है वो 55वें नंबर पर है। वाली बात ध्यान रखेंगे, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये 9वें नंबर पर, ठीक है। सबसे अमीर महिला की अगर बात करेंगे तो इस सूची में सावित्री जिंदल हैं, अभी पीछे भी आपने पढ़ा था, तो सावित्री जिंदल ध्यान रख सकते हैं। और भारतीय अरबपतियों में वे 6वें स्थान पर हैं और समग्र रैंकिंग में जो टॉप 100 है वो जो है 94 नंबर पर हैं, ठीक है। समग्र रैंकिंग की अगर बात करेंगे तो समग्र रैंकिंग में कौन से नंबर पर हैं, 94 नंबर पर हैं। इसके बाद हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी की गई है इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या कह सकते हैं हम, तो इसमें जो है इसका 12वां संस्करण है और इसमें भारत की तरफ से 9वां स्थान जो है वो किसको मिला है, रिलायंस के जो है CEO इनको मिला है। फिर वही है कि आपका हुरुन में एक चेंज हो गया कि यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग जो है पहले नंबर पर जो है कौन है, आपका बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं जो LVMH कंपनी है फ्रांस की, उसके हैं। नंबर 2 पर एलन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं USA के। और नंबर 3 पर बंड्रेट फ्यूज एंड फैमिली हेरमेश हैं, कंपनी का नाम इनके, और ये कहाँ के, फ्रांस के, तो ये ध्यान रखना। और टॉप 10 में इसमें जो है भारत का कौन है, टॉप 10 में भारत का एक ही है, मुकेश अम्बानी 9वें नंबर पर।
मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 आई है, तो यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो अनसर्टेन टाइम्स अनसर्टेन्ड लिव्स शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये इसका नाम दिया गया है। 8 सितंबर को मानव विकास सूचकांक ने 191 देशों को इसमें शामिल किया था और 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक जो है वो क्या कर रहा है कि पूरी SDI मूल्य की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिण सूडान की बनी हुई थी जो 191 रैंकिंग पर था, उसके बाद चाड 190 पर था, नाइजर की स्थिति भी ऐसी थी, मध्य अफ्रीका में जो है ऐसी थी, बरुंडी वगैरह देश जो हैं ये सब इसी कंडीशन में फंसे हुए थे। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है कौन आया था, आइसलैंड आया था, ठीक है, इसमें आइसलैंड आया था, तो मानव विकास सूचकांक के स्थान में आइसलैंड की जो है काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले जो देश हैं यमन, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है, जो जिसका SDI मूल्य 0.633 के साथ है और 132वीं रैंक पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत जो है वो कौन सी रैंक पर है, 132वीं रैंक पर है, ठीक है। भारत की असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का जो SDI मूल्य है वो कितना है, 0.475% है। इसके अलावा SDI में और अगर देखा जाएगा तो मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर हांगकांग चीन, पांचवे पर ऑस्ट्रेलिया, UK 18 पर है और रूस 52 पर है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 132वें स्थान पर जो है वो कौन है, भारत है अपना, ठीक है, 132वें स्थान पर कौन है आपका, भारत, क्लियर है इतना। तो ये वाला टॉपिक यहाँ तक ही है, अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो वैज्ञानिक परिदृश्य वाली क्लास पढ़ेंगे, तो अभी यहीं रोकते हैं इसको, अगली क्लास में वैज्ञानिक परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। ओके।